दोस्तों आज के वीडियो में हम कॉमर्स और साइंस में कंपेयर करेंगे ताकि नए स्टूडेंट को सही स्ट्रीम चूज करने में हेल्प मिले। और इन दोनों स्ट्रीम में कंपेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट को लगता है अच्छी परसेंट आया है तो साइंस ही लेना चाहिए और एवरेज आई है तो कॉमर्स, और बाद में एक स्टेज पर जाकर फंस जाते हैं। सोसाइटी और फैमिली की भी रोल होती है रॉन्ग स्ट्रीम चूज करवाने में। मेरा एक क्लासमेट था पिंटू, हमारे क्लास में एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। वो सिर्फ पास करने लायक मार्क्स ले आ पाता। उसके घर वाले से लेकर रिश्तेदार सबको लगता था इसका कुछ नहीं होने वाला, ताने सुनने पड़ते थे। जैसे जैसे पिंटू बड़ा होता गया उसकी पढ़ाई की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होता गया। उसके बाद आखिरकार उसकी जिंदगी में वो पल आ ही गया जब हर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करनी होती है और आगे की पढ़ाई करनी होती है। पिंटू की भी आया। भले ही पिंटू को 10th में 60% मिला हो, उसने अपनी दिल की सुनी और साइंस ले डाली। फिर क्या, हम दोस्त उसके घर वाले सब बहुत सुनाए, तू कर नहीं सकता, तू क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तेरे तो 60% ही मार्क्स आए हैं। पर जब 12वीं का रिजल्ट आया सबको हैरान कर दिया, उसने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और पूरे कॉलेज में फर्स्ट। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए साइंस और कॉमर्स को लेकर कितना विवाद है। इसीलिए इस वीडियो में हम कॉमर्स और साइंस में कंपेयर करेंगे, पूरे फैक्ट और लॉजिकल सॉल्यूशन देने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं CMA जोया दास ने। उन्हें आप फेसबुक और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। दोस्तों कॉमर्स और साइंस में आपको क्या चूज करना चाहिए, इसके जवाब के लिए हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, किस तरह की स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, उसके बाद मार्केट डिमांड, अर्निंग्स, प्रोफेशनल स्कोप, उसके बाद अंत में हम एक निष्कर्ष पे जाएंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कौन सी स्टूडेंट को कॉमर्स चूज करना चाहिए और किसे साइंस। दोस्तों हम सारे स्टूडेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में उन स्टूडेंट को रखते हैं जिन्हें सिर्फ डिग्री से मतलब है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है या छोटी मोटी जॉब करना है। सेकेंड कैटेगरी में उन स्टूडेंट को रखते हैं जिनको पता है उनको कौन से प्रोफेशन में जाना है फ्यूचर में, और थर्ड में जिनको कुछ भी पता नहीं आगे क्या करना चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है या कोई भी क्लर्क पोस्ट पर काम करना है तो सीधा सा जवाब है, घुमाएंगे नहीं, कॉमर्स लेना चाहिए। लॉजिक ये है, कॉमर्स में हल्का फुल्का मैथ्स मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स की नॉलेज मिलेगी, लैंग्वेजेस की भी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे तो कंपनी के स्ट्रक्चर और एनवायरमेंट की पता चलेगी, जो आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। और कॉमर्स पढ़ना साइंस से थोड़ा तो सस्ता पड़ता है, और अगर साइंस लेते हैं मैथ्स अच्छी हो जाएगी, बट साइंस की दूसरी नॉलेज गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं आएगी। छोटे क्लर्क लेवल की जॉब करना है तो कॉमर्स लेना बेटर होगा। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट को तो पता ही है उनको कौन सी प्रोफेशन में जाना है फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा है। अगर उनको इंजीनियर बनना है तो जाहिर सी बात है साइंस ही लेंगे, लॉ CA की पढ़ाई करनी है तो कॉमर्स लेंगे, उन पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कौन सी स्ट्रीम लेना है तो आपको अपना स्ट्रेंथ पहचानना है, फ्रेंड और फैमिली की बात नहीं सुनना है, दिल की बात सुनना चाहिए। दोस्तों कॉमर्स और साइंस दोनों ही इक्वली इजी है, किसी को साइंस इजी लगता है तो किसी को कॉमर्स, बट बात यह है कॉमर्स किस स्टूडेंट को इजी लगता है और साइंस किसे। अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्हें थ्योरी लिखना ज्यादा पसंद नहीं, थोड़ी लॉजिकल और अपना दिमाग लगाना पसंद है, तो आपको कॉमर्स चूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जिनमें आपको तीनों की कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अकाउंटिंग को ले सकते हैं, अकाउंट्स में आपको थ्योरी भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा और लॉजिकल पोर्शन भी है। और साइंस जो स्ट्रीम है वो कम्प्लीटली लॉजिकल और प्रमाण पर बेस्ड है, जिसमें आपको मैथ्स भी करना है, इसलिए अगर आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं तो साइंस आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों अब देखते हैं कंपनी की डिमांड कौन सी स्ट्रीम की स्टूडेंट के पास ज्यादा होती है। दोस्तों हम कंपनी की डिमांड इसलिए देखेंगे क्योंकि टीचिंग सेक्टर में दोनों की ही इक्वल डिमांड है, सबको प्रोफेशनल्स तो चाहिए ही होता है। कंपनी की डिमांड जानने के लिए कंपनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो जानना होगा। कंपनी की जो स्ट्रक्चर है
उसमें टॉप में बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉई लेवल स्टार्ट होता है जिसमें की मैनेजरियल पर्संस सबसे टॉप में रहते हैं। टोटल 5 तरीके की मैनेजरियल पर्संस होते हैं जिनसे कंपनी चलती है। पहला है CEO, उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर, तीसरा कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद CFO अदर स्पेसिफाइड। अब ध्यान देने वाली बात यह है, CEO जो होते हैं उनके अंडर सारे डिपार्टमेंट की हेड आते हैं, यानी CEO को MBA करना मस्ट है। अगर चाचा विधायक वाले सीन है तो कोई भी बन सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर जो अपने दम पर करता है तो उसे MBA करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप साइंस स्ट्रीम से सत्या नडेला को ही ले सकते हैं। सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, उन्होंने IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद MBA कर रखा था। माने CEO कोई भी स्ट्रीम से बन सकते हैं, सिर्फ MBA करना जरूरी होता है। उसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होते हैं, क्योंकि CFO फाइनेंस संभालते हैं और CS तो कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। अब बचा है होल टाइम डायरेक्टर, ये बोर्ड डिसाइड करते हैं, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेड साइंस ट्रिप से ही होते हैं, बट बाकी सारे डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग, सेल्स, परचेस, इनमें CA, CMA, MBA, CS वाले ज्यादातर होते हैं देखा गया है, क्योंकि उसके लिए मैनेजमेंट की जानकारी होनी पड़ती है। माने टॉप पोजीशन में कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, ज्यादातर केसेस में देखा गया है। हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें कोई क्राइटेरिया का जरूरत नहीं होता है, बट प्रोडक्ट डिजाइन करना, रिसर्च करना, सारे कुछ तो इंजीनियर्स ही करते हैं, इसलिए दोनों की जरूरत कंपनी में है। हाँ, साइंस स्ट्रीम से किसी को टॉप पोजीशन में जाना है तो MBA करना मस्ट है, इसलिए आप देखे होंगे IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स MBA करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल स्कोप क्या क्या है दोनों ही स्ट्रीम में। दोस्तों, आपको कॉमर्स लेना है या साइंस, हर स्टूडेंट को फ्यूचर को ध्यान में रख के ही कुछ करना चाहिए। माने हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है उनके स्ट्रीम में आगे क्या क्या कोर्स पढ़ने को मिलती है। अगर हम साइंस स्ट्रीम में देखें तो साइंस स्ट्रीम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपको नॉन मेडिकल चूज करना होगा या मेडिकल चूज करना होगा। नॉन मेडिकल में हर टाइप के इंजीनियर्स आते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, CS, IT, आर्किटेक्चर्स, सिविल इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। आप कोई सी भी IIT के साइट में विजिट करके देख सकते हैं कितनी सारे ब्रांचेस हैं। इंजीनियरिंग के लिए BTech करनी होती है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्स, सभी को इंजीनियर्स ही कहते हैं। साइंटिस्ट भी एक तरीके के इंजीनियर्स ही होते हैं। हाँ, साइंटिस्ट बनने के लिए ISRO, DRDO जैसे संस्थान से पढ़ना होता है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, पर उन्हें भी नॉन मेडिकल ही कहते हैं। और मेडिकल साइट में आपको MBBS जैसी कोर्स करनी होती है। और कॉमर्स स्ट्रीम में भी दो तरीके की कोर्स देखने को मिलती है, एक कोर्स होती है, दूसरा डिग्री। कोर्स में आपको CA, CMA और CS की ऑप्शन मिलती है, और डिग्री लेना है तो LLB, BBA वगैरह कर सकते हैं। PhD, MCOM, MSc ये कॉमन डिग्रीज हैं, इनकी बात हम नहीं करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू दोनों स्ट्रीम में सेम ही होते हैं। अगर आप साइंस से PhD करते हैं या कॉमर्स से, दोनों की वैल्यू सेम ही माना जाता है क्योंकि घुमा फिरा कर आपको प्रोफेसर ही बनना है। दोस्तों, अगर बात प्रोफेशनल कोर्स की हो ही रही है तो सब्जेक्ट्स की भी बात कर ही लेते हैं, किस टाइप की पढ़ाई दोनों स्ट्रीम में करवाते हैं जानते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन में दोनों स्ट्रीम की सब्जेक्ट्स में डिफरेंस देख सकते हैं। साइंस में लॉजिकल और मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं और कॉमर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स होती है। कॉस्टिंग भी उसी तरह के सब्जेक्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स होती है, और अंत में अर्निंग्स को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन में साइंस स्ट्रीम की सबसे टॉप कोर्स IIT से किया हुआ इंजीनियर्स की हाईएस्ट सैलरी देख सकते हैं, और अब आप कॉमर्स में टॉप कोर्स CA की हाईएस्ट सैलरी देख सकते हैं। दोस्तों, ये हाईएस्ट सैलरी है, सबको नहीं मिलता, बट एक सच्चाई बताना चाहूंगा, सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट की इंजीनियर्स की सैलरी ही अच्छी होती है, बट जो लोकल कॉलेजेस से डिग्री लेते हैं उनको प्लेसमेंट्स के नाम पर कॉल सेंटर मिलती है, उनको 15,000 की भी जॉब मिलना मुश्किल होता है। अगर आप CA, CMA या CS कर लेते हैं जो कॉमर्स में टॉप कोर्सेस हैं, उनको ये तो श्योरिटी होती है उनके कोर्स कंप्लीट होते ही उन्हें 6-9 लाख की ईयरली पैकेज हर स्टूडेंट को तो मिलती ही है। ये है डिफरेंस दोनों स्ट्रीम में। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको बड़ी बड़ी सैलरी पे काम करना है तो आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी पोस्ट पे काम करना है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ
आपको दोनों स्ट्रीम में डिफरेंस पता चल गई होगी। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।